अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम EPPS की स्कोरिंग करेंगे। आपके पास EPPS के लिए ये फॉर्म है जो फिल्ड हालत में मौजूद होना चाहिए। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले कि ये एक स्टेंसिल की है, इसको आपने आंसर शीट के ऊपर रखना है। इसके दोनों चारों एजेस को मिलाना है। मिलाने के बाद फिर आपने लेड पेंसिल की मदद से ये जो वाइडन स्पेस है, इसमें दो तरह के होल हैं, एक वाइडन होल्स हैं और एक नैरो होल्स हैं। जो वाइडन होल्स हैं इनको आपने इस अंदाज में सर्कल कर लेना है। ये एक्चुअली आपको वैलिडिटी आइटम्स बताते हैं। और जो नैरो होल्स हैं इनको आपने इस अंदाज में कट कर देना है। सबसे पहले फिल करने के बाद, यानी जब आप अपने ये आपके पास फिल्ड फॉर्म में आंसर शीट होती है, तो आपने इस अंदाज में इसके ऊपर मार्किंग कर लेनी है। अच्छा जी, अब एक और काम जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो जब हम EPPS कंडक्ट कराते हैं तो इसको हम कंसिडर करते हैं कि ये फोर्स चॉइस टेस्ट है। कहने का मतलब ये है कि इसमें आपके पास चॉइस नहीं है कि आप किसी भी पेयर को ओमिटेड छोड़ें। लेकिन होता ये है जनरली कि जब हम इसको ग्रुप में कंडक्ट कराते हैं या हम किसी भी इंडिविजुअल को कंडक्ट करा रहे होते हैं, तो क्योंकि आइटम बहुत ज़्यादा हैं तो बारहा कहने के बावजूद सम हाउ मिस्टेकनली और सम टाइम कॉन्शियसली भी जो आपका सब्जेक्ट है वो कोई ना कोई आइटम ओमिटेड छोड़ देता है। सबसे पहले हमने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि आपकी आंसर शीट में कोई भी आइटम ओमिटेड ना हो। अगर आप नोटिस करते हैं स्कोरिंग करने से पहले कि कोई भी आइटम ओमिटेड है, तो उसके लिए गाइडलाइंस आपकी पेज नंबर 8 पे मौजूद हैं, जिसमें बड़ा क्लियरली लिखा गया है कि अगर आपके पास कोई भी आइटम ओमिटेड हैं तो उसको आपने रैंडमली उसका रिप्लाई खुद से फिल कर देना है। और उस रैंडम वे को उन्होंने एक इंटरेस्टिंग से वे में आपको बताया है कि आप एक कॉइन टॉस करें। से आपके पास ये एक पेयर है जिस पे के कोई आंसर मार्क्ड नहीं है, आप क्या करें, कॉइन टॉस करें। अगर तो हेड आता है तो उस बेसिस पे आप ए को सर्कल कर दें, और अगर टेल आता है तो आप बी को सर्कल कर दें। इस अंदाज में आप इसको फिलअप कर दें जी। इसको आप सर्कल कर दीजिए। इस अंदाज में आपने इंश्योर करना है कि आपका पूरे का पूरा फॉर्म फिल्ड है। अब आपने क्या करना है, अगर आप मैनुअल चेक करेंगे तो इसमें उन्होंने आपको दो तरह की स्कोरिंग्स बताई हैं, एक मशीन स्कोरिंग है और एक हैंड स्कोरिंग है। हम जो करेंगे, अब हैंड स्कोरिंग में भी दो तरह के मॉडल हैं, IBM आंसर शीट है और रेगुलर आंसर शीट है। हम जो यूज़ कर रहे हैं वो रेगुलर आंसर शीट है, इसलिए आपने ये दोनों स्कोरिंग्स को कंसिडर नहीं करना। अब अगर आप आ जाएं जो आपकी रेगुलर आंसर शीट की स्कोरिंग है उसके तरीक़ेकार की तरफ, तो उसमें स्टेप वन क्या है। स्टेप वन में हमने स्टेंसिल की मदद से अपने आंसर शीट पे सर्कल्स किए हैं और कुछ आइटम्स को हमने डायगनल कट किया है। अब अगर आपके पास ये स्टेंसिल शीट मौजूद नहीं है तो उसका भी वे आउट मौजूद है कि आपके पास उन आइटम्स के यहाँ नंबर लिखे हुए हैं, कौन से आइटम नंबर्स हैं जिनको कि आपने डायगनल कट करना है और कौन से आइटम नंबर्स हैं जिनको कि आपने सर्कल करना है। अगर आपके पास, अगर आपको यहाँ से भी समझ नहीं आती तो आप मेरे से ये स्टेंसिल शीट ले सकते हैं और आप अपने फॉर्म को इसके मुताबिक फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद अगला स्टेप आपका क्या है, सेकेंड स्टेप। पहले आपने इंश्योर करना है कि सारे आइटम आपके फील्ड हैं। दूसरे स्टेप पे आपने इंश्योर करना है कि आपने दोनों तरह के जो हैं डायगनल सर्कल और डायगनल लाइन कट्स कर लिए हैं। इसके बाद आपने क्या करना है कि इनकी काउंटिंग करनी है। अब काउंटिंग का अंदाज क्या होगा कि सबसे पहले आपने रॉज को कंसिडर करना है। ये जो हमने सर्कल्स बनाए हैं और जो कट किए हैं इनकी भी एक इंटरप्रिटेशन है। जो तो आइटम आपने डायगनल कट किए हैं इनको स्कोरिंग में आपने काउंट नहीं करना, लेकिन जिनको आपने सर्कल किया है ये आपके वैलिडिटी या कंसिस्टेंसी को शो करते हुए आइटम है, इनको आपने काउंट करना है, लेकिन इसके साथ